हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों आज मैं ये मेथी के मैं सीड ग्रो करूँगी और सोचा ये वीडियो मैं बनाऊँ और आपसे शेयर करूँ। और मेथी की सीड लगाने के लिए देखिए थोड़ा सा वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। मैंने मैंने जो है मेरा कोई मेजरमेंट नहीं है, मैं अपने अंदाज से थोड़ा सा गार्डन सॉइल, रिवर सैंड और वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट या किचन वेस्ट, नीम की खली थोड़ी सी, ये सब का मैं मिक्सचर तैयार कर लेती हूँ। सब बस नीम की खली का थोड़ा सा मिक्सचर, एक मुट्ठी रहता है, जैसे 5 मुट्ठी आपके जो है 5 मुट्ठी, जैसे ये सॉइल हो गई गार्डन सॉइल तो उसमें हो गई 2 मुट्ठी हो गई इसमें रिवर सैंड, और 1 मुट्ठी हो गई इसमें कंपोस्ट, और आधी मुट्ठी जैसे नीम की खली। इस तरह से आप जैसे ज़्यादा बना रहे हैं या जैसे बड़ा टब है तो उस हिसाब से आप अंदाजे से ले सकते हैं। मैंने सिर्फ एक ये अंदाज़ बताया है। अब इसमें मेरे को ये नहीं पता कि कितना इसमें है, लेकिन देखिए इसमें थोड़ा सा मिट्टी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रहती है, उससे कम रिवर सैंड, फिर उससे भी कम कंपोस्ट, फिर बहुत ही कम मात्रा में नीम की खली थोड़ी सी मिलाई जाती है, जिससे कीड़े या फंगस विंगस लगने का अटैक रहता है तो वो ना रहे। तो इसके लिए मैंने ये देखिए पहले तैयार कर रखा है, थोड़ा सा वेल्डर नहीं है, थोड़ा सा गिल्टी उल्टी ये सब थी मिट्टी के डेले वेले तो मैंने फोड़ लिए हैं, और थोड़ा सा मैंने देखिए इसको ईंटे से भी ऐसे ऐसे करके इसको थोड़ा सा बारीक बना लिया है। इसके जो मिट्टी के जो गुट्टे थे वेल्ड्रेन हो गए हैं, देखिए एकदम भुरभुरी सी हो गई है मिट्टी। ऐसे ही भुरभुरी मिट्टी तैयार करनी है, पोरस मिट्टी एकदम, जिससे कि रूट्स अंदर चली जाए, फैल जाए। अगर मिट्टी टाइट रहेगी तो रूट्स नहीं फैलेंगी और फिर जो है बीज जर्मिनेट नहीं होगा और ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी। इसलिए आप इसकी मिट्टी ऐसे ही तैयार करिए। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर होती है लेकिन बाद में रिज़ल्ट बहुत अच्छा निकलता है। इसलिए ये देखिए, क्योंकि इसकी रूट्स जो है ज़्यादा नीचे तक तो जाती नहीं है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा गहरा पॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मुश्किल से ये 5 या 6 इंची ये गहरा ये टब है मेरे पास, ये देखिए, और उसमें मैं ये मेथी के सीड्स ग्रो करूँगी। तो ये तो मैंने बता दिया है कैसे इसे गार्डन मिट्टी पॉट की पॉटिंग सॉइल आप तैयार करेंगे। अब उसके बाद इसमें ये सीड ऐसे करके आप छिड़क देंगे। हालांकि अभी ठंडक शुरू हो गई है, थोड़ी सी नमी बनी रहती है और रात में भी पाला गिरता है, तो इसीलिए हमने जो है सीड भिगोई नहीं है, नहीं तो 2-3 घंटे आप ये पानी में भिगो दें। जैसे गर्मी होती तो चल जाता थोड़ी सी, लेकिन अब इस समय ठंडक शुरू हो चुकी है तो मैं भिगो नहीं रही हूँ, मैं ऐसे ही सीड में डाल रही हूँ। तो इस तरह से आप ये डालिए ऐसे, फिर उसके बाद ये मिट्टी जो है ऊपर से ये छिड़क दीजिए। वही सिंपल सा मेथड है जो जैसे कि धनिया में है, ये सब लीफ वाले जो होते हैं प्लांट्स तो इनमें ये ऐसे ही होता है। ये धनिया हो गई, मेथी हो गई, और ये आपकी ये बथुआ हो गया, मिर्ची का जैसे बीज आप ग्रो कर रहे हैं तो उसके बीज ऐसे ही सब ये ग्रो होंगे। और ये ऊपर से थोड़ा सा लेयर मिट्टी की डाल देंगे और फिर इसको डालने के बाद थोड़ा सा पानी का छिड़काव लगा देंगे ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे। वेल ड्रेन मिट्टी है, नीचे से ड्रेनेज होल भी है, पानी एक्स्ट्रा पानी भी जो है वो निकल जाएगा। और हाँ एक दोस्तों एक बात भी आप चाहें टिप समझ लीजिए, एक थोड़ा सा छोटी सी टिप्स है ये कि अगर आप ऐसा अगर आप टब लेते हैं जिसमें देखिए नीचे कोई भी स्टैंड वगैरह या गुट्टे नहीं लगे हैं, अब इसमें जो नीचे होल है वो नीचे बंद रहेगा नीचे फर्श से, तो आप जो है इसके नीचे थोड़ा सा स्टैंड जैसे होते हैं तो ईंटें रख दे, 3 थोड़ा सा ईंटे के ऊपर ही रखा रहे किसी के ऊपर ये, जिससे कि इसके जो पानी जो एक्सेस जो वाटर है जो तो वो जो है नीचे से होल से निकल सके। और ये ऐसे आपने
ये हमने कर लिया इस तरह से, ये सीड दिख रहे हैं तो थोड़े से आप ऊपर ऊपर मिट्टी ये डाल दीजिए। और तो इसे ज़्यादा है सीड, बड़ा टब है तो इसलिए इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है। फिर उसके बाद इसमें पानी का छिड़काव कर दीजिए। पहली बार तो हम ज़्यादा पानी देंगे जिससे कि पानी अंदर तक पूरा चले जाए, नमी बनी रहे। उसके बाद 3-4 दिन बाद ही पानी का छिड़काव करेंगे। जब देखिए ऊपर की मिट्टी आपको लगे सॉइल जैसे सूख रही है तो आप इसमें पानी का ऐसे ऐसे करके छिड़काव कर सकते हैं, वरना आप जैसे आपने अभी लगाया तो इतना पानी दे दिया फिर आपने सोचा कल भी दे दें, तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। 3-4 ठंडक बनी हुई है, ठंड है, नमी भी बनी रहेगी ज़्यादा दिनों तक पानी सॉइल में, तो आप ये है ऊपर की जब देखिए 3 दिन में सीड जो है जर्मिनेट हो जाते हैं। उसके बाद आप 4th दिन हल्का सा पानी का छिड़काव कर सकते हैं। अब पानी देखिए मैं कैसे दे रही हूँ, बहुत ही हल्के हाथ से देना है जिससे गड्ढा ना बने। मैंने पहले भी वीडियो में यही बात शेयर करी थी। और इसको अब जैसे कि ठंड है, पाला गिर रहा है रात को, तो थोड़ा सा आप प्लास्टिक से या किसी पटरे वटरे से 2 दिन तक, जैसे रात को आपने दिन में खोल दिया सुबह आके और रात को आपने ढक दिया, जिससे कि ये सॉइल गीली ना हो, बीज जो है सड़ने का भी डर रहता है। और उसके बाद जब ये थोड़ी सी इसमें लीफ जैसे कि 3-4 इंची का जब ये इसमें लीफ निकल आए, तो उसके बाद अब इसमें तो हम लोग जैसे अब मेथी के सीड है, मेथी की पत्तियां जानते ही कैसे होते हैं, उसमें फिर हम खाद तो दे नहीं पाएंगे बाद में, तो ये है वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट हो या किचन वेस्ट से जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है, तो हम इसमें सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र ही फिर हम देंगे जिससे कि प्लांट्स को पूरा न्यूट्रिएंट्स मिलता रहे, पोषक तत्व की कमी ना रहे, सब ग्रीन ग्रीन ऑर्गेनिक हमारी मेथी तैयार हो जाए। ओके दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर।